तो दोस्तों फाइनली कोटा फैक्ट्री सीजन 2 रिलीज हो चुका है और जिस मोड़ पे कोटा फैक्ट्री का सीजन 2 खत्म होता है वहाँ से सभी लोगों का एक्सपेक्टेशन और बढ़ जाती है कि सीजन 3 में क्या कुछ होने वाला है और हमें सीजन 3 कब तक देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों कोटा फैक्ट्री के सीजन 3 से रिलेटेड जितने भी आपके सवाल है उन सारे सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आखिर कब आने वाला है इसका सीजन 3, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि सीजन 3 की स्टोरी में हमें क्या कुछ नया दिखने वाला है। तो दोस्तों सीजन 3 की स्टोरी वहीं से शुरू होगी जहां पर सीजन 2 की स्टोरी एंड हुई है, यानी कि हमारे जो तीन स्टार है वैभव, मीना और उदय, तीनों ने अपने फाइनल ईयर की एग्जाम अभी नहीं दी है और अपना सेकंड ईयर उन्होंने कंप्लीट किया है। तो दोस्तों सीजन 3 में उनके फाइनल ईयर की एग्जाम को दिखाया जाएगा और फिर क्या कुछ टेंशन होगी फाइनल ईयर में दोस्तों ये भी दिखाने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों जितेंद्र कुमार अपने इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए क्या एक और नए टीचर को खोज पाएंगे या नहीं, इसका जवाब भी दोस्तों हमें सीजन 3 में मिलने वाला है। वो दोस्तों आप बात कर लेते हैं कि कोटा फैक्ट्री सीजन 3 की क्या कुछ अपडेट्स हैं। तो दोस्तों जिस मोड पे सीजन 2 को कंप्लीट किया गया है उससे तो दोस्तों डेफिनेटली साबित हो जाता है कि इसका सीजन 3 जरूर आने वाला है। हालांकि नेटफ्लिक्स अपनी हर सीरीज के बाद कम से कम 1 से 1.5 महीना लेता है उसके अगले सीजन की अनाउंसमेंट करने के लिए, लेकिन दोस्तों हमें जैसा कि पता है कि कोटा फैक्ट्री इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, तो दोस्तों ये बात तो डेफिनेटली साबित हो ही जाती है कि इसका सीजन 3 जल्द ही आने वाला है। साथ में दोस्तों आपको बता दूं कि सोर्सेज से पता चला है कि सीजन 3 को डायरेक्टर भी राघव सुब्बूनी करने वाले हैं और काफी सारा प्री प्रोडक्शन का काम उन्होंने शुरू भी कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों बात करें शूटिंग अपडेट्स की, तो दोस्तों आपको बता दूं कि सीजन 3 की भी शूटिंग भोपाल में ही होगी, हालांकि उसकी शूटिंग शेड्यूल अगले 3 से 4 महीने में शुरू हो सकती है। दोस्तों आपको बता दूं कि सीजन 1 2019 में आया था और अब इसका सीजन 2 2021 में आया है। दोस्तों इतना बड़ा गैप इसलिए हो गया है क्योंकि बीच में कोविड काल आ गया था और जिसके कारण इसकी शूटिंग में काफी डिले होने लगा था, लेकिन दोस्तों सीजन 3 के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर सब कुछ सही रहा तो दोस्तों इसका सीजन 3 हमें अगले साल के मिड यानी कि जून या जुलाई में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों इसका अगला सीजन कोटा फैक्ट्री का आखिरी सीजन भी हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों बात करें कि सीजन 3 में क्या कुछ कास्ट अपडेट हो सकती है, तो दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि सीजन 3 में कोई नई कास्ट आ सकती है। हालांकि नए साइड कैरेक्टर्स जरूर इंट्रोड्यूस हो सकते हैं लेकिन मेन कास्ट वही रहने वाली है। तो दोस्तों अब आप कोटा फैक्ट्री सीजन 3 के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और अगर आपको ये सारी अपडेट्स पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इससे रिलेटेड अपडेट्स हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी एक और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।